सुप्रभात, आज सुप्रभात अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सभी यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका शीर्षक है वायु प्रदूषक। आशा करती हूँ आप सभी को ये नाटक अच्छा लगे और आप इससे कुछ सीखें। है दिशाएं धुआं धुआं, है दिशाएं धुआं धुआं, चारों ओर है धुआं धुआं, चारों ओर है धुआं धुआं, पर्यावरण का आवरण है, पर्यावरण का आवरण है, इस कदर दूषित हुआ, इस कदर दूषित हुआ, हे प्रदूषण, हे प्रदूषण, हो प्रदूषण, हो प्रदूषण, हे प्रदूषण, हे प्रदूषण, हो प्रदूषण, हो प्रदूषण, प्राण देने वाली हवा में जहर है, प्राण देने वाली हवा में जहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, ये कैसा कहर है, धुएं से उठती धरती का सरयू, धुएं से उठती धरती का सरयू, प्रदूषण प्रदूषण बागों में है ये, प्रदूषण प्रदूषण बागों में है ये, बचाकर तो देखो ये पर्यावरण, बचाकर तो देखो ये पर्यावरण, इधर भी प्रदूषण उधर भी प्रदूषण, इधर भी प्रदूषण उधर भी प्रदूषण, हे प्रदूषण, हे प्रदूषण, हो प्रदूषण, हो प्रदूषण, हे प्रदूषण, हे प्रदूषण, हो प्रदूषण, हो प्रदूषण। नारायण 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 नारायण, प्रणाम ब्रह्मा जी, कहिए कैसे स्मरण किया? नारद जी, मैं बहुत भ्रम में हूँ, ये जो धरती है यही प्रजाति मंडरा रही है, तो है तो बिल्कुल मनुष्य जैसी, परंतु मेडिकल का निर्माण नहीं किया, फिर ये उत्पन्न कैसे हुए? ये ब्रह्मा जी तो मनुष्य ही हैं, मगर इनके चेहरे में क्या हुआ? वो इन्होंने जीवन वायु को शुद्ध करने के लिए उपकरण लगा रखा है, ऑक्सीजन मास्क। हाँ हाँ भाई, ऑक्सीजन मास्क। वो क्या है ना, धरती की वायु इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि इसको लगाना आवश्यक है, नहीं तो घुटता है दम दम घुटता है, 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 घुटता है दम दम घुटता है। ये बढ़ते कारखाने, धुआं करती चिमनियां, सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या, कूड़े का जलाया जाना, और इसकी वजह से वायु में बढ़ती हीलियम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा। अरे भाई, ये हीलियम 2.5 और पीएम 10 ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये हवा में उड़ते कण है जो प्राथमिक रूप से वायु को प्रदूषित करते हैं, और इसका अंजाम फैलेगा, और जिससे सरकार को बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तो सरकार को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए। सरकार ने तो रोक लगा रखी है, पर ये किसान बास थोड़ी ना आते हैं पराली जलाने से। हमें ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारियाँ? अभी कुछ ही दिनों में दीपावली आ रही है, ना ही बच्चों की चिंता करेंगे और ना ही बड़े बूढ़ों की, सिर्फ अपनी शान दिखाएंगे। अरे भाई आओ आओ, बैठो बैठो, आग रूढ़ियों में लगाकर तमाशा हम भी देखेंगे, अभी हम भी देखेंगे, हाँ हम भी देखेंगे, हवा
मत बढ़ाकर तमाशा हम भी देखेंगे। अरे हम भी देखेंगे, हाँ हम भी देखेंगे। अरे भाई बड़े बूढ़े की तकलीफें बढ़ती है तो बढ़ने दो। अरे भाई अस्थमा वालों की सीने में सांस घुटती है तो बढ़ने दो। पटाखों के धमाके से दिल दहला कर हम भी देखेंगे। अरे हम भी देखेंगे, हाँ हम भी देखेंगे। तो क्या हम प्रदूषण के हाथों अपने भावी पीढ़ियों को ऐसे ही सौंप देंगे? अरे नहीं नहीं, हम अपनी भावी पीढ़ियों को प्रदूषण अस्थमा असंख्य बीमारियों के हाथों नहीं सौंप सकते। हम आज से ही अपने परिवार वालों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। हम रक्षारमण से अपनी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। वाहनों के अनावश्यक प्रयोग को कम करके प्रदूषण को रोकेंगे। हम सब करेंगे पर्यावरण का रक्षण। प्रदूषक नामक असुर को नहीं करने देंगे अपना भक्षण। प्लास्टिक और कचरे के अवशेषों को सही ढंग से ठिकाने लगाएंगे। प्रदूषण से हम करेंगे पृथ्वी की रक्षा।